ज्यादा इजी है कि आपके आपके भाई बहन भी इसको आराम से कर सकते हैं, मतलब जिनके पास चैप्टर ही नहीं है ना, वो उस फॉर्मूला को एकदम आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला एक बार लर्न हो गया तो जो आपके क्वेश्चन आंसर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का नाम है एसआई। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, तो मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो बताती हूँ। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक चैप्टर है टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें ना जो है थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है, थोड़ा सा मतलब हम बच्चों में से मतलब हमको ना क्या होता है कि फॉर्मूले नहीं आते, वो तो आसानी से सॉल्व हो जाते, वो तो मुझसे भी हो जाते हैं, पर ये कि फॉर्मूले हम भूल जाते हैं। और कभी होता है कि हम जब फॉर्मूले नहीं लगाते हमको अच्छे से आता है फिर आंसर गलत हो जाता है कभी, या कभी हम फॉर्मूले नहीं लिखते तो मैं मार्क्स नहीं देती उसके, चाहे आंसर सही हो या गलत। तो गाइस मैं आपको एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप इसको अच्छे से मैथ्स में कर सकते हैं, और मतलब बाय चांस इन केस अगर आपका आंसर गलत हो गया और आपने फॉर्मूला सही लगाया तो आपके आपको फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका आंसर सही है फॉर्मूला गलत है तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका फॉर्मूला सही है और आंसर गलत है तो मैम मार्क्स दे सकती है। लगाया है बस आपने सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है जो भी है, तो लेकिन आपको फॉर्मूले की भी थोड़े से मार्क्स जो है मिल सकते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे कट जाएंगे। आपने फॉर्मूला लगाया तो आपके मार्क्स उसको भी मिलेंगे क्योंकि फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट हम अब फॉर्मूला को लर्न कैसे करें क्योंकि वो तो हम भूल जाते हैं, हमको तो पता होता नहीं है, क्योंकि मतलब अभी हमको लर्न होगा वो बाद में भूलेंगे इसमें क्या था इसमें क्या था। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सके, और आपको इतनी अच्छे से लर्न हो जाएगा तो जब भी आप देखोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये ट्रिक इतनी ज्यादा इजी है कि आपके आपके भाई बहन भी इसको आराम से कर सकते हैं, मतलब जिनके पास चैप्टर ही नहीं है ना वो उस फॉर्मूला को एकदम आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला एक बार लर्न हो गया तो जो आपके क्वेश्चन आंसर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का नाम है एसटीडी। एसटीडी मीन्स स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो ये तो हमको पता है बट हमको ये नहीं पता कि इसमें क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो आप कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ट्राइंगल बनाया हमने और इसको बीच से डिवाइड कर देना है। डिवाइड मीन्स की इसमें देखिए यहाँ पर एस टी और डी, तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल को हमने डिवाइड किया है तीन पार्ट्स में। देखिए बीच में से आप ऐसा कुछ टी जैसे बना सकते हैं, जैसे ऊपर का पार्ट हो गया फिर इस साइड का और फिर इस साइड का, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम और डी मतलब डिस्टेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इस तीनों फॉर्मूले में दो फॉर्मूले तो कॉमन है जो कि होता है स्पीड और टाइम का। अब स्पीड ये इसमें स्पीड है, जो इसमें स्पीड अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम जो कि दे भी रखा है। देखिए ये अपॉन है, ये इसको ऐसा ना समझना, ये अपॉन है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम,
ये काफी ज्यादा इजी है, आप आसानी समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पर साफ साफ आपको दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है और लेफ्ट साइड में टाइम भी दे रखा है, सॉरी स्पीड भी दे रखी है और लेफ्ट साइड में टाइम भी दे रखा है लेफ्ट साइड में, तो आप देख सकते हैं। और ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें आप अच्छे से समझ सको कि इसमें मल्टीप्लाई होना डिवाइड भी, मतलब जैसे हम अपॉन में करते तो वो डिवाइड होता है, आप देख सकते हैं हमने ऐसे लिखा है ना इसको, इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई, हमको उसे मल्टीप्लाई करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डी है, तो जो डी है डी में आप देख सकते हैं हमारा डी है मीन्स आवर डिस्टेंस, तो वो जो है वो थोड़ा ऊपर है इसलिए क्योंकि जब हम इसमें डिस्टेंस में हम देखते हैं जो फॉर्मूला हम देखते हैं उसमें डिस्टेंस में है स्पीड इंटू टाइम, और साथ साथ पता भी चल रही है डिस्टेंस से डिस्टेंस निकाल के स्पीड इंटू टाइम, टाइम स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, साफ साफ दे रखे देखो, बहुत आसान सी ट्रिक है, आप समझ सकते हैं बहुत आसान आसानी से। अगर आपको टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देखिए अपॉन भी दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इस पर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक ट्राइंगल बनाइए उससे तीन पार्ट में डिवाइड करें, चाहे आप कैसे भी करें, पर यह है कि ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपको सही फॉर्मूला लगाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, करना होगा। और तो इस फॉर्मूले को समझना मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगा, मतलब बस आप देख लो अच्छे समझ लो कि हाँ भाई इधर ये लिखना है, इधर लिखना है, ये इधर लिखना है, और फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और ये तो मेरे को अच्छे से आ गए, और मेरे को तो पहले इसके वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं आ रहे थे, अब मैंने जब इस ट्रिक को देखी तो मुझे एकदम आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मूला ही जो है उसी से आप हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आपका आंसर भी इवन गलत होगा, सही भी होगा, नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स क्योंकि आपने फॉर्मूला का यूज़ गलत किया है या नहीं किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो को शेयर करूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे भी अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे को अच्छे से आ गया है, और मैं सोचा कि अगर आपके भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपको भी जो है इसकी थोड़ी टेंशन है कि किस तरीके से हम लर्न करें, तो मैंने आपको एक अच्छा सा जो है आपको ट्रिक बता दिया है और आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके भाई या बहन है जिनके पास ये लेसन नहीं है, मतलब ये चैप्टर नहीं है और आने वाला है, तो आप उनको जिस क्लास में वो पढ़ रहे ना आप उसी क्लास में उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो ये तो छोटे से बच्चे भी समझ सकते हैं। तो चलो गाइस, मैंने आपको इतनी अच्छी सी ट्रिक शेयर किए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय। सो गाइस, मैं आपको एक चीज कहना भूली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी जो है ट्रिक है, और मतलब मेरे क्लासमेट्स या मेरे फ्रेंड्स मतलब ये देखते हैं मेरी वीडियो, तो हमारे जैसे पेपर स्टार्ट होने वाले तो हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे। और अगर आप लोगों को भी ऐसी बहुत ज़्यादा इजी सी ट्रिक देखनी है मैथ्स की, मतलब किस तरीके से हम फॉर्मूले को लर्न कर सके, किस तरीके से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं, मतलब अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर कर सकूं, ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमको अच्छे से फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय।